देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए इतना बड़ा आम का पेड़ है। देखिए यहाँ पर कितना मोटाई है इसमें, और देखिए कितना ज़्यादा मंजर इसमें आया हुआ है। तो इस बार बहुत ज़्यादा मंजर आया हुआ है, उधर भी पेड़ है और उधर भी है, तो इस बार देख रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। तो दोस्तों कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छे हूँ। और अभी फ़िलहाल 9:30 बज रहा है और अभी हम खाना ना खा लिए हैं और इधर आए हैं बकरी चराने, घर से कुछ दूर। इधर आम के पेड़ के नीचे अभी हम, देखिए ये जो पीछे पेड़ दिख रहा है इतना बड़ा, ये आम का पेड़ है। देखिए आपको दिखाते हैं थोड़ा बढ़िया से। देखिए ये आम का पेड़ है और अभी हम इधर आए हुए हैं बकरी चराने के लिए। और मतलब इधर, मतलब कुछ दूर इधर हम लोग का मेन रोड है, इधर स्कूल है, देखिए स्कूल है उधर। तो इधर आए हुए हैं और देखिए बकरी लोग इधर चल रहे हैं। देखिए चलिए आपको सामने से थोड़ा दिखाते हैं। तो इधर हम लोग का बकरी चल रहा है और वो जो छोटा वाला पेड़ देख रहे हैं उसमें, उसमें शेखर चढ़ल है, उसमें पाला काट दे रहा है बकरी लोग का। और बकरी सब मज़े से यहाँ पर चर रही है, पाला पत्ता सबको खा रही है। देखिए वहाँ शेखर, शेखर देखिए वहाँ पर है। अलग करने तो पहले यार, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, अलग करने बोल रहा है हमको, पाला इधर थोड़ा अलग करने। रुको 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 ना, इधर गिर उड़ जाएगा, थोड़ा इधर इधर हम साइड साइड करने बोल रहा है, तो इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, अलग अलग इसको छिड़िया देते हैं। यानी जामुन का पाला है, देखिए जामुन का पाला ये है, ये जामुन का पाला है, समझे। जामुन फलेगा उस टाइम हमको दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। और कुछ बहुत काट और छोड़ दे, और कुछ बहुत काट और छोड़ दे। तो दोस्तों शेखर अभी पाला काट दे रहा है बकरी लोग का, और अभी हम साइड कर दिए, थोड़ा छिड़िया दिए पाला बकरी सबका, और अभी मज़े से ही सब खा रहा है। और चलिए आपको दिखाते हैं ये हम लोग का गांव देहात का जो देहाती आम होता है, कितना ज़्यादा मंजर आ गया है आम में। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा मंजर हुआ इस बार, तो इस बार लगता है बहुत ज़्यादा आम फलने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। तो खाने में तो जानते हैं कितना मज़ा आता है। तो चलिए आपको थोड़ा दिखाते हैं बैक कैमरा से, आम के पेड़ के पास चलते हैं और दिखाते हैं कितना ज़्यादा मंजर हो गया है। तो पहुँच ही गए हैं, तो आपको दिखाते हैं बैक कैमरा से थोड़ा, क्या है कि बैक कैमरा से मेरा फ़ोन में थोड़ा अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए इतना बड़ा आम का पेड़ है, देखिए यहाँ पर कितना मोटाई है इसमें, और देखिए कितना ज़्यादा मंजर इसमें आया हुआ है। तो इस बार बहुत ज़्यादा मंजर आया हुआ है, उधर भी पेड़ है और उधर भी है, तो इस बार देख रहे हैं सारा आम का पेड़ में मंजर ज़्यादा ही, ज़्यादा से ही ज़्यादा आया हुआ है। तो अगर ज़्यादा बरसात नहीं होगा और हवा आंधी नहीं आएगा, तो काफ़ी मंजर बचेगा, तो काफ़ी उसमें आम सब निकलेगा, आम मतलब आम बहुत ज़्यादा फलेगा इस बार, खाने में बहुत मज़ा आएगा। और हम लोग तो आते रहते हैं इधर, बहुत हम लोग का जंगल तरफ इधर बहुत आम है, खाने के लिए आते रहते हैं। जब भी बारिश होता है और हवा आंधी आता है तो गिरने लगता है पका हुआ आम सब, तो हम लोग आ जाते हैं खाने के लिए। देखिए हम लोग अगर उधर है, ज़्यादा दूर नहीं है, और सीन देखिए हम लोग का उधर का जंगल साइड का। और यह है बाथरूम स्कूल का, और यहाँ पर देखिए सरकारी स्कूल, इसका भी ब्लॉग बनाए हुए हैं, जाके आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा मंजर हुआ है, एकदम कितना बढ़िया भी लग रहा है देखिए। और उधर हम लोग का बकरी चर रहा है, देखिए वहाँ पर शेखर पाला काट दे रहा है, और इधर हम हैं कुछ दूरी में। दोस्तों ब्लॉग में फिर से हम आ गए हैं और यहीं पर हैं हम, ये जो आम का पेड़ है, बड़ा सा आम का पेड़, इसी के नीचे अभी हम हैं, छाया में अभी हम हैं, खड़ा है। तो छाया में रहने में बहुत बढ़िया लगता है, हवा भी लगता है ठंडा ठंडा, और अभी काफ़ी गर्मी शुरू हो गया है, मार्च का महीना आ गया है, आधा से ज़्यादा हो गया है, और मार्च में काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने लगता है, तो बकरी सब भी ज़्यादा धूप में नहीं चढ़ता है, तो इसीलिए वो लोग को पाला काटने के लिए काट दिया। अब लोग खा रहा है बकरी सब, आ जाओ इधर आ जाओ छाया में, अभी लोग बकरी हैं नहीं, उसको अगले दिन काटेंगे ना, उसको अभी 2-3 दिन चलाना है यहाँ में, वो वाला नहीं काटना है, बस नीचे वाले छोटके 2-3 में इसको चलाना है 2-3 दिन, इसी तरह रोज़ रोज़ आना है, 2-3 दिन चलाना है भाई, इसीलिए संभल के थोड़ा बच के थोड़ा संभल के। इसलिए तो अभी हम लोग छाया में इधर रहते हैं, कुछ गप्पी सप्पी करते हैं, कुछ बैठते हैं साथ में, वो लोग उधर मेन रोड है, उधर गाड़ी सब चलता है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन उधर से एक जा रहा है। तो बकरी सब मज़े से खाएगा, और कुछ देर में उधर थोड़ा रोड साइड भी ले जाएंगे, थोड़ा देर उधर रोड साइड में ले जाएंगे। और फिलहाल तो छाया में बैठते हैं हम लोग, गप्पी सप्पी करेंगे। और मेरे ब्लॉग अगर आपको बढ़िया लगता है तो ब्लॉग डेली आप लोग देखा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वायरल कीजिए जल्दी से जल्दी हमको, और 1K कम्प्लीट पूरा कर दीजिए मेरा सब्सक्राइबर को, ठीक है ना। और धन्यवाद बहुत कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इसी तरह प्यार बनाए रखिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी हम लोग बकरी देखते हैं, बैठते हैं, आगे क्या सीन होता है,
आपको ब्लॉग में तो देखने को मिलेगा, बस आप ब्लॉग में ब्लॉग देखते रहिए। और कब ले जाएंगे घर वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा देर इधर रहने देते हैं, क्या ज़्यादा देर हुआ नहीं है दोस्तों। तो अभी हम लोग बकरी चराते चराते इधर आ गए हैं स्कूल साइड तरफ, तो स्कूल के पीछे भी हम हैं। इधर नया स्कूल बन रहा है, वो है पुराना स्कूल उधर नहीं दिख रहा है यहाँ से, और ये है नया स्कूल। तो इधर नया बन रहा है और इधर हम लोग हैं छाया तरफ, देखिए छाया इधर है। और इधर देखिए स्कूल का बच्चा लोग कितना इधर कचरा कर दिया है, और इधर बकरी सब चर रहा है, और उधर मेन रोड है गाड़ी सब चलता है। और इधर अभी हम लोग हैं वहाँ से इधर आ गए हैं, वहाँ पेड़ काटे थे ना पाला सब, वहाँ से इधर आ गए हैं। वहाँ से बकरी लोग नहीं चरने लगा था तो सोचा कि चलो इधर लेके चलते हैं। तो इधर भी हैं, और 9:30 बजे लाए थे और 10:15 बज गया है, तो 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है, और 15-20 मिनट में 1 घंटा हो जाएगा, तो पूरा होने देते हैं उसके बाद चलेंगे। देखिए गाड़ी सब उधर चल रहा है, मेन रोड है वो, हम लोग का 2 लाइन है, गाड़ी सब चलता है। तो देखिए दोस्तों बकरी सब को लेके आ गए हैं घर, यहाँ महुआ इसीलिए थोड़ा इसको मारते हैं ज़ोर से। देखिए और बकरी सब उधर चल गया है, लता है सबके, और बकरी सब उधर चल गया आ गए। उधर महुआ का महुआ है उधर, देखते हैं बहुत ज़ोर से दौड़ता है महुआ में बकरी सब, इसको पास मार पानी पिया के अब ढुका देते हैं। और ब्लॉग बढ़िया लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अब हम लोग पहुंच गए हैं घर तरफ, ठीक है तो बाय बाय।